भावनगर सहित राज्यभर में के विस्तारों में हवामान विभाग द्वारा बे थी त्रण दिवस वादळ छायुं वातावरण रहेवानी तेमज कमोसमी वरसाद थवानी आगाही करवामां आवी छे। जो कि भावनगर जिला में बे दिवस थी वादळ छायुं वातावरण जोवा मळी रह्युं छे। तेमज भावनगर जिला ना दरिया कांठाना विस्तारों में गई काले वरसादनुं झापटुं पण पड़ी गयुं हतुं। जो कि खेती में उभा पाक ने कमोसमी वरसाद ने कारण व्यापक नुकसान थवानी भीति तो छे ज, परंतु तैयार माल लईने मार्केटिंग यार्ड में आवता खेडूतो पण चिंता में मुकाया छे। भावनगर शहर ना चित्रा विस्तार में आवेला मार्केटिंग यार्ड खाते माल मुकवा माटेना अपूरती व्यवस्था ने कारण भूतकाळ में अनेक बार कमोसमी वरसाद ने कारण खेडूतो अने व्यापारीओनो माल पलड़ी जवानी घटनाओ बनी चूकी छे। आम छता पण तंत्र द्वारा आवा संजोगों में माल मुकवा माटेनी कोई पण व्यवस्था हजु सुधी उभी करवामां आवी नथी। छेल्ला बे दिवसथी वरसादनुं वातावरण सर्जायुं छे तेने लईने तंत्र द्वारा खेडूतोने मात्र सूचनाओ आपीने संतोष मानी लेवामां आव्यो छे, परंतु खेडूतो चिंतामां मुकाय छे कारण के महामूलो माल लईने अने मार्केटिंग यार्ड खाते आवता होय अने जो अचानक वरसाद आव्यो होय तो व्यापक नुकसान थवानी भीति सेवाई रही छे। हाल मार्केटिंग यार्ड में कपास डूंगी मगफड़ी सहित पाकों ने लईने आवी रह्या छे तेमज व्यापारीओ खरीदेलो पुष्कळ माल पण खुल्लामां पड्यो छे। आवा संजोगों में जो वरसाद पड़े तो खेडूतो अने व्यापारीओने व्यापक नुकसान थई शके छे। जो कि केटला प्रमाणमां माल मार्केटिंग खाते लावामां आवे छे ते प्रमाणमां माल राखवा माटेनी व्यवस्था अंगे अनेकवार व्यापारीओ द्वारा अने खेडूतो द्वारा तंत्रने रजूआत करवा छतां पण तंत्र द्वारा आज दिन सुधी पूरती व्यवस्थाओ ऊभी करवामां आवी नथी। ભગતભાઈ જેઠવા નવરત્ન પરના ખેડૂત છીએ અમે। હવે હેડની અંદર અહીંયા બધા ખેડૂત માલ લઈને આવે છે, પણ આ વરસાદના જેવા કાંઈ પણ નુકસાનનું જ્યારે વાતાવરણ બદલાય ત્યારે માલ હાંસવાની કોઈ સુવિધા અહીંયા પૂરતી જણાતી નથી, એટલે અવારનવાર ખેડૂતનો માલ અહીં બગડતો હોય છે। અને ભાવની વાત કરીએ તો અત્યારે જે કપાસ છે એ 2000ની બહાર ખેડૂતને પડતો આવે છે, દવાના ખેતીના બધા ખર્ચાઓ લગાડી તો બેને 1700-1600 આજુબાજુનું ભાવમાં જાય છે, અને તેમ છતાંય પાછો માલ બગડે એ તો જુદું છે। એટલે સરકારશ્રીને અથવા અહીંયા પ્રશાસનને એવી વિનંતી કરીએ કે ખેડૂતનો માલ બગડે નહીં એવી કંઈ સુવિધા કરે અને પૂરતો પોષક ભાવ મળી રહે એવી વિનંતી છે। इरफान सोलंकी नो रिपोर्ट S9 न्यूज भावनगर।